देख रहे हैं JNI न्यूज, मैं कंचन शुक्ला। राजधानी लखनऊ के मोहल्लागंज तहसील के बलसिंहखेड़ा गांव में पिछले लगभग एक महीने से भूत प्रेत होने की अफवाह उड़ी हुई है। इस कारण से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है और लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। इसी रहस्य का पर्दाफाश करने के लिए हमारी JNI न्यूज की पूरी टीम रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बलसिंहखेड़ा गांव में अपनी टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद रही। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। इतनी तेज वहाँ साफ सुन रहे वाली आवाज है, मतलब वो पहले रिकॉर्ड होती। देखिए सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि ये कई सिस्टम ऐसे कई घटना हो चुका है, ये तरह से डराने की स्थिति है। ये जो पोजीशन है मंदिर, एक वो हर कहीं हट जाता है, कोई जमीन खाली होगी नहीं है तो कहीं से कितना है का माहौल इस कदर फैला हुआ है कि लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं और जो लोग मौजूद हैं वो रात होने के बाद अपने घरों के बाहर नहीं निकलते हैं। हमारी न्यूज JNI न्यूज टीम जब वहां पर पहुंची तो लोगों के घरों के दरवाजे बंद पाए गए और बहुत कोशिश करने के बाद भी किसी के घर का दरवाजा नहीं खुला। हमारी JNI न्यूज टीम ने पूरी रात जागकर प्राथमिक विद्यालय प्रांगण में गुजारी और वहां पर अपनी टेक्नोलॉजी के साथ पूरी जांच पड़ताल की, जिसमें भूत प्रेत जैसी कोई एक्टिविटी कैद नहीं की गई और वहां पर दरवाजा पीटने या चिकन चिल्लाने जैसी कोई आवाज हमारे JNI न्यूज टीम को नहीं सुनाई दी। और यहाँ लगातार करीब एक महीना से भूत भूत का एक आफत उड़ रहा था। आज हम उसी सिलसिले में इस सर्कल पे हैं। अभी टाइम लगभग 1:20 हो रहे हैं और हम पूरी उसका खोजबीन में लगे हैं। अभी हम लोग कानपुर मोहनलालगंज जो नेशनल हाईवे है हम उसी रूट पे हैं और वही स्कूल का सामने हम लोग हमारे टीम के साथ में हैं। चारों तरफ से हमारा सिस्टम लगाया गया है ताकि अगर इस तरह कोई भी हलचल अगर होता है हम उसकी पूरी जानकारी दे सकें। लगभग अभी तक हमें 11 बजे से 1:30 बजने जा रहे हैं, अभी हमें कोई भी एविडेंस नज़र नहीं आया जिससे हमें प्रूफ कर सके कि वास्तविक में यहाँ कोई भूत प्रेत आत्मा की कोई साया हो। हम वही कोशिश कर रहे हैं उसी को ढूंढने की ताकि हम वो चीज़ें निकल सकें और उस चीज़ को हम पब्लिक को दिखा सकें कि वास्तविक में ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहे। तो आइए आगे का स्थिति पल पल की अपडेट हम बताना चाहेंगे और हम यही दिखाना चाहते हैं कि ये पास में घर भी हैं, यहाँ से नेशनल हाईवे है, वह गाड़ियाँ गुजरती है इस रूट से और आपको हम लोग ये बताना चाहेंगे बहुत पूरी तरह से भोग रहे हैं और हम यही बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो लगातार एक महीना से भूत प्रेत आत्मा का जो निवास बताए जा रहे थे उसमें चिल्लाने की आवाज़ आता है। हमें अभी हम लोग 10:30 बजे से
इस जगह में मौजूद है और अभी हमें किसी भी तरह की हलचल नजर नहीं आए, ना इस तरह कोई मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। आइए आगे का शेयर करते हैं। उसके बाद इस सर्कल पे, इस एरिया में उसके एक ऑटोमेटिकली मन के अंदर में एक भैम बैठा हुआ है कि यहाँ पे इस तरह कोई वारदात हुआ था। ये वो जगह है, ये स्कूल अभी बंद है, इस स्कूल में क्लासेस नहीं लगाए जाते हैं और यहीं पे जो मूवमेंट है शायद इसी जगह पे वो लास्ट पाए गए थे। और हम आपको और दिखाना चाहिए, बड़ा विचित्र जगह है, विचित्र स्थान बना दिया गया है। हमें तो लगता है कुछ साजिशकर्ता की रूप है ये, और ये यहाँ इतना बड़ा घटना होने के बाद इस स्कूल में एक लाइट का प्रबंध होना चाहिए था। अगर लाइट होता तो लोगों का अंदर में ये भयम नहीं होता, ना ये डर होता, और उस डर को सताने के लिए यहाँ एक मूवमेंट बनाया गया है मेरे हिसाब से। क्योंकि हमें अभी 11 बजे से हमारा टीम JNI न्यूज़ की तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस तरह कोई भी चीज़ें सामने आए और इसका मूवमेंट हमें नज़र आए। अभी तक 1:30-2 बजने जा रहे हैं, 1:30 का लगभग बज चुका है, अभी तक हमें इस तरह कोई लोकेशन नहीं मिला। हम उसी स्कूल में मौजूद है जिस स्कूल से कुछ प्रेत आत्मा की आवाज़ें बाहर आती है। चलिए आगे और शेयर कराते हैं और स्थिति दिखा देते हैं कि क्या मूवमेंट है यहाँ। सब लोग यही बात करते हैं, सब लोगों का यही कहना है कि यहाँ दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आते हैं और दरवाज़ा पीटने के बाद में चिल्लाने की आवाज़ आता है और यहाँ लोगों को बड़ा अचंभा, एक डर सी हो गया है। जो पास में घर था उस परिवार यह घर छोड़ के भाग चुका है और ये जो स्कूल है, ये स्कूल में अभी क्लासेस लगता है, बाकी हमें उसका अंदर में भी कुछ राज नज़र आता है। क्योंकि ये जो स्कूल का जो सीमा है, इस सीमा के बाद में कुछ सरकारी ज़मीनें पड़े हैं, हमें कुछ लगता है इसका अंदर में कुछ रणनीति बनाया गया है जिसके तहत यहाँ तो एक दो परिवार यहाँ के निवास करते हैं और एक दो परिवार उधर से, उधर से, उधर से, अगर यहाँ से हट जाता है तो लगभग हमें क्यों अजय जी, हमें तो ये लगता है कि यहाँ से अगर जो दो वो परिवार थे, अरे धर्म काटा वाले हैं, अगर ये यहाँ से चले जाए तो इसमें कुछ किसी को बेनिफिट हो सकता है। हाँ, इसमें अगर देखा जाए तो ये हमें भी समझ में आ रही है कि ये आबादी की जमीन है, ये भगवान गांव की आबादी की जमीन है। अगर यहाँ से ये लोग चले जाएं तो इस पर लोगों का कब्जा आसानी से हो जाएगा, यही ये सब जानबूझ करके हमें लगता है। मैं मुझे भी यही लगता है क्योंकि हम लोग अभी 1:30 बजे तक 2 बजने जा रहे हैं, अभी तक तो हमें किसी भी तरह किस तरह हलचल नजर नहीं आया। हम तो उसी स्कूल में खड़े हैं, हमारे टीम भी उस साइड में भी ग्राउंड पे हमारा कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारा JNI न्यूज़ की 3 पत्रकार उधर भी बैठे हुए हैं, अंधेरा में बैठे हैं। और हम यही दिखाना चाहते हैं कि एक डर जानबूझ कर पैदा किया जा रहा है, इससे बहुत बड़ी लाभ हो सकता है। हमें तो यही लग रहा है कि इसमें कुछ अराजक तत्व जो हैं, इस ज़मीन को हथियाने के लिए ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और क्योंकि अगर ऐसे बर्दाश्त होता तो कुछ तो कुछ हलचल तो मिलता हम लोगों को। क्यों नहीं कि अभी तक तो हमें कोई इस तरह कोई भी स्टेप नज़र नहीं आया जिससे हमें ये एहसास हो कि यहाँ कुछ भूत प्रेत का छाया हो। और हम उसी स्कूल का अंदर में खड़े हैं, बड़ी सोचने की बात है, अभी तक तो इस तरह कोई हलचल आई आगे का सीन। आप देख रहे हैं JNI न्यूज़, अभी हम मोहनलालगंज बलसिंह खेड़ा है ये, और लगातार एक महीना से आसपास ग्रामीण एरिया में एक बहुत बड़ा आफा फैला हुआ है और वो आफा है प्रेत आत्मा का वास इस स्कूल में है। और आसपास का मकान, आसपास का मंदिर में जाके दरवाज़ा ठोका जाता है और रोने का, पीटने का, चिल्लाने का आवाज़ आता है। ये इस एरिया में ये बहुत तेज़ी से फैल रहे, वायरल हो रहे, और इसका कुछ
पत्रकार बंधु ने पेपर में भी इस तरह की न्यूज़ अपडेट किया है। और सबसे बड़ी चीज़ हम लोग आज उस कुछ चीज़ें जानकारी के बाद हम लोग उसी सर्किल पर आए हैं और उसी जगह पर हम लोग मौजूद हैं, वही स्कूल का ग्राउंड पे। और जो चारों तरफ में जहाँ जहाँ वो दरवाज़ा पिटा गया, जहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आता है, हम जस्ट उसी का बीचों बीच मिडिल पॉइंट में हूँ। दाहिना साइड में वो स्कूल है, उस स्कूल में आज से 5 साल पहले किसी एक लड़की के साथ में बलात्कार हुआ था और उसका हत्या कर दिया गया था। और सबका यही कहना है कि उसकी आत्मा इस स्कूल में भटकता है और वो रात को रोते हैं, चिल्लाते हैं और जाके लोगों का दरवाज़ा खटखटाता है, मदद के लिए मांगता है, भूत मदद मांगने किसी की दरवाज़ा में जाके ठोकता है। तो हमारा जो JNI न्यूज़ की करीब करीब हमने 8-9 पत्रकार आज इस सर्कल में, इस स्कूल का दायरे में हर कोने कोने पे बिछा दिए हैं जाल की तरह, कि हमें कहीं भी एक मूवमेंट मिलता है तत्काल उसका इन्फॉर्मेशन हमें हो। तो आज हम उसी जगह पे मौजूद है और शाम को करीबन 10-10:15 बजे से लेके 10:30 बजे से लेके अभी 3:30 का टाइम हो चुका है, 4 बजने वाली है, अभी तक हमें इस तरह की कोई भी मूवमेंट सामने नज़र नहीं आए। और सबसे बड़ी यहाँ हमने एक कमियाँ नज़र आ रहे कि एक सुनसान एरिया है, इसका आसपास में कोई गांव नहीं है, है तो 1.5 किलोमीटर दूर है और है यहाँ पे सिर्फ एक मकान है जो रिवासी है और साथ में एक धर्मकांटा है जो गाड़ी घोड़ा के जो वजन तोलते हैं उसका वर्क उसका है, रात को वह यही रहता है और ऐसे मकान वाले रहते हैं। और आसपास में जो ज़मीन है वो लगभग सरकारी ज़मीन है और हो सकता है हमें जहाँ तक लग रहे हैं कि अगर इस जगह पे इस तरह की अफवाह उड़ाई जाए, अगर ये 2 पार्टी यहाँ से खिसक लेता है तो करोड़ों अरबों रुपए की बेनिफिट हो सकता है थर्ड पार्टी को। तो मैं यही कहना चाहूँगा, इस जगह पे सबसे बड़ी कमियाँ हैं कि यहाँ से देखिए बहुत लंबा दूरी तक है, करीबन 1 किलोमीटर के दायरे में कोई लाइट की व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, कि ये स्कूल में जब इतना बड़ा वारदात हुआ है कम से कम यहाँ 1-2 लाइट, सौर ऊर्जा की लाइट लग जाना चाहिए था और जिसकी तहत यहाँ उजाला बने रहता तो आदमी का ये डर खत्म हो जाता। ये डर है और डराया जा रहे हैं, किसी के माध्यम से डराया जा रहे हैं। तो हमारे एक पत्रकार जी है JNI न्यूज से, जयशरण जी। जयशरण जी बताइए कि आप जो सारा रात टीम के साथ वर्क करें, आपको कुछ नज़र आया क्या? जी सर, यहाँ पर तो हमको कुछ भी नहीं नज़र आया। हम लोग यहाँ पर 10 बजे से लेकर अभी सुबह के 3:30 होने वाले हैं और यहाँ पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला है, भूत प्रेत जैसा जो भी यहाँ पे अफवाहें उड़ रही हैं वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। तो अब क्या कहना चाहते हैं, क्या ये अफवाह किसी के माध्यम से करा जा रहा है कि ये जी बिल्कुल ऐसा लग रहा है ये किसी षड्यंत्र के उसमें जो है ये सब साजिश रची गई है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो कांड हुआ था 5 साल पहले उस बात का इशू बनाया जा रहा है, उस महिला के चिल्लाने की आवाज़ ऐसा पूरे उसमें बताया जा रहा है, यहाँ पे आती हैं दरवाज़ा पीटती है और निशान भी दिखाए गए हैं, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी हैं मोबाइल में, यहाँ के प्रधान जी के मोबाइल में, और बताते हैं कि उनके ही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सर जो है कि अभी 5 साल पहले जो यहाँ पे एक घटना घटित हुई थी उसके बावजूद भी यहाँ का जो जिम्मेदार प्रशासन है वो अभी भी जागा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सर देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। ये स्कूल है, ये प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ पर पूरा चारों तरफ देखिए सर कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। और ये झाड़ियाँ हैं, इसमें कोई दूसरी अनहोनी होने का इंतज़ार किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी फॉल्ट माना जाता है क्योंकि यह झाड़ियाँ है, स्कूल के साथ में जंगल है, अगर रात को यहाँ से कोई चिल्लाता है तो भी शायद हमारा आसपास में कोई भी वहाँ दौड़ के नहीं आएगा कि कौन चिल्लाया। हो सकता है कि ये एक साजिशकर्ता का रची रचाई सिस्टम है जिससे कुछ लोग डरे। इस आसपास में कई इस तरह की जैसे धर्मकांटा का एक बिजनेस है, पास में एक मकान बना हुआ है, एक मंदिर में एक बाबा रहते हैं, बाबा भी उस मंदिर छोड़ के और कहीं जाकर रात को गुजर बसर कर रहे हैं, हमने बाबा से मुलाकात किए थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर देवी देवता अगर मंदिर नहीं छोड़ता है तो कैसे देवी देवता है। हम जनता से यही एक सवाल देना चाहूँगा कि अगर भूत प्रेत आत्मा अगर है, भूत प्रेत आत्मा से बचने के लिए भगवान का आश्रय लिया जाता है और उसी भगवान का दरवाजा से पंडित को बाहर कर देता है
वो कैसे भूत है आप लोग विचार कर लीजिए। ये सिर्फ एक अफवाह है, ये एक झूठी कहानी है, इसका पीछे कोई भी पब्लिक ना जाए, इसके साथ में संघर्ष करे और उस बंदे को ढूंढ निकाले जो ये अफवाह रच रहा है। मैं हूँ देव, आप देख रहे हैं जेएनआई न्यूज। हमारी जेएनआई न्यूज टीम को यह बात सिर्फ एक भ्रम लग रही है क्योंकि यह एक साजिश के तहत फैलाई जा रही है। यहाँ पर आसपास कोई आबादी नहीं है, सिर्फ दो घर हैं जिसमें से एक घर के लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। दूसरा यह एक धर्मकांटा है जहाँ पर लोग दहशत की वजह से रात में 7-8 लोग रुकते हैं और यहाँ पर कोई दरवाज़ा पीट कर चला जाता है जिस वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। ये धर्मकांटा के 7-8 लोग भी हमारे साथ में मौजूद थे और हमारी ये जेएनआई न्यूज की टीम को ऐसा लग रहा है कि ये ग्राम समाज की जमीन जो आसपास में पड़ी हुई है उसकी वजह से यह भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि जो लोग वहाँ पर हैं वो भी अगर चले जाते हैं तो अफवाह फैलाने वाले को करोड़ों की संपत्ति का फायदा हो सकता है। मोहनलालगंज के बरसिंगखेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में जहाँ पर भूत प्रेत जैसे अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, यहाँ के ग्रामीण लोग जो है वो भयभीत हैं। यहाँ के स्थानीय लोग जो पास में प्राथमिक विद्यालय के बगल में जिन लोगों का घर बना हुआ है वो लोग घर छोड़ छोड़ के यहाँ से जा चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रात में यहाँ पर एक भूत आता है, प्रेत आता है जो सभी घरों के दरवाजों को खटखटाता है और अजीब अजीब सी आवाज़ें जो कि डरावनी आवाज़ें होती हैं उनको निकालता है। क्या सर यहाँ पर हम लोग सुबह आए, उसके बाद फिर शाम को 10 बजे से यहाँ पर अभी बजने वाला है 3:30, सुबह को 3:30 बजने वाले हैं सर। यहाँ पर ऐसा अभी तक भूत प्रेत जैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है और ना ही ऐसी कोई आवाज़ें आई हैं यहाँ पर, इसके बारे में सर क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे, देखिए हमारा जेएनआई न्यूज़ चैनल की जो इस तरह का जो भी प्रोग्राम का एक डेमो किया जाता है और जेएनआई न्यूज़ के माध्यम से इसका एक सर्वे किया जाता है कि वास्तविक में देव आत्मा होता नहीं है, साइंस इसी से नहीं बनता है और एक ग्रामीणों का मन एक भयभीत एक स्टोरी बना के उसको डरावने किसी भी तरीके से अगर किया जाता है इसके पीछे कोई रीजन होता है। हो सकता है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी योजना है ताकि अगर यहाँ अगर आपको बताए हमने जो सर्वे कर रहे हैं और पूरी हमारा टीम और हम पब्लिक को यही दिखाना चाहते हैं कि यहाँ एक दो कोना के दो मंदिर है, बीच में मिडिल स्कूल है, साथ में एक काटा है जो धर्म काटा बोलते हैं और एक और नॉर्मल व्यक्ति का यह है। अब जाहिर सी बात है यार यहाँ सारा सरकारी जमीन है, अगर ये दो धर्म काटा और ये जो निवास कर रहे जो व्यक्ति अगर यहाँ से चले जाए हो सकता है कि इस योजना को उस व्यक्ति को बड़ी सफलता मिल जाएगा। सर जैसा कि कहते हैं यहाँ के लोग 5 साल पहले यहाँ पर एक रेप केस हुआ था, उसकी हत्या कर दी गई थी यहाँ पर इसी स्कूल में जाकर, बहुत ही दर्दनाक तरीके से जो उसको मारा गया था। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि उसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, उसी के चीखने की आवाज़ आती है, वही लोगों के घर में जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि मुझे बचा दो। देखिए एक आपको एक सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ, हमारा भारत का अंदर में जहाँ एक हॉस्पिटल होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल है, कई बार तो वहाँ लोग रात को जाना पसंद नहीं करता है, अंदर में डर होती है और उसी स्कूल के अंदर में अगर कोई वारदात अगर कोई घटना होता है तो जाहिर सी बात आस पास में एक आतंक बन जाता है कि यार वहाँ पर ऐसे हुआ था, तो उसी का फ़ायदा क्यों ना थर्ड पार्टी उठा रहे। हम लोग जब शाम को 10-10:30 बजे से हम यहाँ मौजूद थे और हमारा टीम पूरी चारों तरफ मकड़ी जाल की तरह ग्रुप लगे हुए, हमारा सिस्टम लगा हुआ है, यानी कि हम उस सिस्टम से ये पता लगा सकते हैं कि अगर किसी भी तरह के अगर इस तरह कोई वाइब्रेशन अगर होता है, अगर किसी तरह की अगर मूवमेंट बचता है हमें तत्काल उसका इंफॉर्मेशन मिल जाता है। जी हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं 10 बजे से, अभी बजने वाला है 3:30 बजने वाला है, करीब सुबह के 3:30 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी मूवमेंट यहाँ देखने को नहीं मिला है जिससे हम लोग यहाँ माने कि यहाँ पर ऐसी कोई वारदात होती है। भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ देखने को, केवल ग्रामीणों के अंदर दहशत बनाया जा रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरी रात गुजार चुके हैं, यहाँ पर सुबह के 3:30 बज रहे हैं। और सर ये बताइए यहाँ पर जो है
इतनी देर से हम लोग यहाँ पर हैं, ऐसा कुछ भी कोई भी ऐसा मोमेंट जो भयानक लगा हो? मैं जय शरण जी आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं मेडिकल साइंस में 89 से हूँ और 82 में मैंने साइंस मेडिकल किया हूँ, और साइंस ये चीज़ें नहीं मानते कि देव देवता भूत प्रेत आत्मा ये कुछ होता नहीं है। और हम एक चीज़ और बताना चाहिए, एक तो हमें पूरी तरह से यकीन होता है या हमारा सिस्टम में ये कहता है कि एक साजिश रचा जा रहा है जिससे ये एरिया, कुछ एरिया में कुछ निवासी जो आने वाले हैं या एक दो मकान बने हुए हैं, अगर ये यहाँ से हट जाता है तो हो सकता है उस साजिशकर्ता का बहुत बड़ी बेनिफिट होने वाली है। तो हमारे हिसाब से तो यही है, क्योंकि अभी तक हम लोग करीबन 10-10.30 बजे से इस सर्कल पे हैं, पूरी टीम हमारे साथ में है, हमारा कई सिस्टम हमने एक तरह से बिछा रखे हैं ताकि किसी भी तरह के अगर इस तरह हलचल अगर होता है तो हम पल पल भर की अपडेट हम उठा सकते हैं। हमें तो अभी तक इस तरह कोई भी मूवमेंट नहीं है, ना हम उसके बारे में कह सकते, सिर्फ एक ही चीज़ नजर आए, वह 2-3 कुत्ता यहाँ पली हुई, वही भोंकने की आवाज़ है और कुछ नहीं। लगभग एक हफ्ते से इस गांव में, यहाँ बलसिंहखेड़ा गांव में, यहाँ करीब एक महीने से ये दहशत का माहौल बना हुआ है कि यहाँ पर भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ें हैं जो कि आती हैं और दरवाज़ा खटखटाती हैं और चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ भी आती है, बचाओ बचाओ की, ऐसा यहाँ के जो है लोग बताते हैं, प्रधान जी बताते हैं इस गाँव के। और सबसे मेन चीज़ जो है, हम लोग यहाँ पर आए हैं इस ग्रामीण इलाके में, यहाँ पर इन लोगों के अंदर जो दहशत है उस दहशत का खुलासा करने के लिए हम लोग यहाँ पर पूरी रात आज गुजारे हैं। यहाँ पर आज सुबह 10 बजे, कल 10 बजे से आज सुबह के 3:30 बज रहे हैं। यहाँ पर अभी तक आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर खड़े हैं, सुनो, प्राथमिक विद्यालय बलसिंहखेड़ा क्षेत्र सरोजनी नगर जनपद लखनऊ में समय मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर पूरी टीम आई हुई है, JNI न्यूज की पूरी टीम यहाँ पर केवल ये सर्च करने आई है कि ये कितना सच है। जयसन तिवारी, JNI न्यूज, मोहनलालगंज। इस मंदिर से भूत आत्मा प्रेत आत्मा सब एक आपके लिए और कोई दुनिया में चले जाते हैं। आज उस भूत आत्मा प्रेत ने मंदिर का पुजारी को यहाँ से भगा दिया है, ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। ये दुर्गा माता मंदिर है और दुर्गा माता ने भूत आत्मा प्रेत को वध करते हुए, यानी कि बहुत बड़ी विजयी हासिल किया था कि इसी तरह की कोई भी भूत आत्मा प्रेत आत्मा यहाँ नहीं टिकना चाहिए हमारा भारत के अंदर में, जहाँ दुर्गा का निवास होता है। और उसी दुर्गा मंदिर से भूत आत्मा प्रेत ने कि पुजारी को इस मंदिर से बाहर कर दिया। आज पुजारी इस मंदिर में नहीं है, खटिया पड़े हैं, आपको हम दिखा सकते हैं, आइए। पुजारी जी के जो खटिया है ये देखिए, ये पुजारी की उसकी खटिया से रात का बिस्तर थी, शायद पुजारी जी ने सबको छोड़ के यहाँ से पक चुके हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे, खटिया पे बिस्तर पड़े हैं और ये डंडा उंडा भी पड़े, कुल्हाड़ी भी पड़े हैं, बाकी पुजारी का कोई खबर नहीं है। क्यों? पुजारी को इतना डराया गया है और पुजारी इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि मजबूर हो के इस मंदिर को छोड़ के पुजारी को और कहीं जाके अपना जान बचा के उसका निराकरण करना पड़ा। क्योंकि ये जो मंदिर है ये सरकारी ज़मीन पर है, अगर यहाँ से पुजारी भाग जाता तो आप समझ सकते हैं इस एरिया का क्या वैल्यू बनता है। मैं हूं देव, आप देख रहे हैं JNI न्यूज। एडिटर चीफ देव विश्वास, मंडल ब्यूरो चीफ जयकरण तिवारी, लखनऊ ब्यूरो चीफ राकेश कुमार, यूपी क्राइम ब्यूरो चीफ अभिषेक मौर्य, बाराबंकी क्राइम ब्यूरो चीफ अजय कुमार सिंह व लखनऊ रिपोर्टर गोलू तथा सभी JNI न्यूज टीम की जांच पड़ताल में यह बात साबित हुई है कि यह सिर्फ एक अफवाह या भ्रम है जो कि किसी साजिश के तहत फैलाया जा रहा है। वहां पर भूत प्रेत जैसी कोई चीज सामने नहीं आई है।